परिवर्तन इसलिए कि जो माने जिनको आरा ने स्वीकार किया 10 वर्षों तक, उन्होंने जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होने का रिकॉर्ड बनाया, या लोगों से, आम लोगों से दूरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। आमने सामने की लड़ाई है, दो लोगों के टक्कर में कैसे जीत गए? पवन सिंह से लोग नाराज थे, या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के फाइट में आरा में लोगों ने आपको वोट कर दिया? ये मैं समझता हूँ कि ये विश्लेषण निगेटिव होगा। पॉजिटिव ये है कि लोगों ने वहाँ पर कुछ किया नहीं, रोजगार के लिए, खेती के लिए नहीं किया कुछ। जनता से अलगाव उनका हार का मूल कारण है। वो वोटर्स से वो समझते थे कि हम मोदी के नाम पर, हम मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, और इसको खारिज किया आरा लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं ने। व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार एक व्यवसायिक आयोग का गठन करे, हम इसके लिए काम करेंगे, और जिले में कृषि आधारित उद्योग धंधे लगे, हम इसके लिए प्रयास करेंगे। तो उनका 400 पार का नारा था, वो तो फेल हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो तोहमत लगाते हैं दूसरों पर, चलनी हंसे सूप पर जिसमें हो 7606, तो ये तो बात है, बिल्कुल पच नहीं रही है देश की जनता को, और आने वाले दिनों में और जो है इनको कड़ा जवाब मिलेगा। अब वो पुराना दौर लौट कर नहीं आएगा, सब लोग मिलजुल करके जिले को विकास के रास्ते पर, समग्र विकास के रास्ते पर ले जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबको बराबरी का अधिकार होगा, ठीक ना, वोट देने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, रोजगार का अधिकार, समाज में सिर उठाकर चलने का अधिकार, ये जीत उनकी है। भोजपुरवासियों ने इस बार एमपी बनाया नहीं, बल्कि भोजपुरवासी खुद एमपी बन गए हैं सुदामा प्रसाद के रूप में। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन शाहाबाद का एक सीट यानी कि आरा को लेकर चर्चाएं देश में खूब हो रही थी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री आर के सिंह चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ भाकपा माले के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद। और चुनाव में जनता ने जो निर्णय सुनाया है, जो फैसला सुनाया है, उसमें सुदामा प्रसाद जीत गए हैं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले सुदामा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक, धन्यवाद। आरा में इस बार आप जीते हैं, इतने कांटे के संघर्ष, लंबे अरसे के बाद। हम तो बात अगर इतिहास की करेंगे तो 1989 के बाद आप पहली बार 2024 में जीते हैं। कैसा रहा आरा का ये जंग? बिल्कुल ही दिलचस्प था, और आरा लोकसभा के किसानों ने, मजदूरों ने, वहाँ के व्यवसायियों ने, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी, जो छात्र युवा हैं, जो शहरी गरीब हैं, ग्रामीण गरीब हैं, रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग, एस्कीम वर्कर, सफाई कर्मी, सब लोगों ने ये पहले से मन बनाया था कि हमको परिवर्तन करना है। परिवर्तन इसलिए कि जो जिनको आरा ने स्वीकार किया 10 वर्षों तक, उन्होंने जनता के सुख दुख में शामिल नहीं होने का रिकॉर्ड बनाया, या लोगों से, आम लोगों से दूरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती देने के लिए, जो खेती पर आधारित है, और खेती जो है हमारे यहाँ जिले के दक्षिणी इलाके में सोन नहरों से होती है और उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूपों से, तो उनका चुनावी वायदा था कि हम 2014 और 19 में भी कि नहरों का पक्कीकरण करवाएंगे, ढह ढिमला गया है, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। जो उत्तरी इलाका है, शाहपुर, बिहियाँ, बड़हरा का इलाका, उसमें सरकारी नलकूप हैं जो 80% बेकार पड़े हैं। ये सारे समस्याएं हैं। जीत कैसे रही? लोग तो कह रहे हैं कि आप दो लोगों के टक्कर में जीत गए हैं, गलती से जीत गए हैं, कैसे रहा ये अनुभव बताइए। आमने सामने की लड़ाई है, दो लोगों के टक्कर में कैसे जीत गए? पवन सिंह से लोग नाराज थे, या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के फाइट में आरा में लोगों ने आपको वोट कर दिया? ये मैं समझता हूँ कि ये विश्लेषण निगेटिव होगा। पॉजिटिव ये है कि लोगों ने वहाँ पर कुछ किया नहीं, रोजगार के लिए, खेती के लिए नहीं किया कुछ, व्यवसाय के लिए कुछ नहीं किया। कोरोना काल में वो पूरी तरह से गायब रहे, कहीं अगलगी होगी, कहीं किसी पर कोई आफत भी बताएगा,
उसमें शरीक नहीं होंगे, वो गरीबों के आम जनों के अपनी भी अपने भी समाज के जनरल लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे। आप नरेंद्र मोदी कितने मजबूत घोड़े को हराए हैं, बहुत लंबा दौड़ रहे थे, बहुत अच्छा वही बोल रहे हैं रहे तो थे। जनता से अलगाव उनका हार का मूल कारण है। वो वोटर से वो समझते थे कि हम मोदी के नाम पर, हम मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, और इसको खारिज किया आरा लोकसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं ने कि हमें रोजी रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे व्यवसाय को मजबूती चाहिए और हमें सम्मान चाहिए, सम्मान सबसे ऊपर है। तो ये तमाम चीज़ों में विफल साबित हुए। एक माने शालीन सांसद के रूप में भी उनकी पहचान नहीं थी। हमने ही उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा कि भाई 10 वर्षों के कामकाज का रिपोर्ट दीजिए, तो उन्होंने माने संसदीय भाषा में कहा कि वो कौन है, के हर रिपोर्ट कार्ड मांगे वाला। तो हम समझते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को आम जनों के साथ शालीन भाषा में बात करनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि जो लोग आपको माथे पर चढ़ा लिए, 10 साल तक माथे पर चढ़ा करके रखे, अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमानित तो मत कीजिए। अब जनता आपको जिता दी है, आपके सर पे ताज बंध गया है, अब आप जिम्मेदारी कितनी बड़ी है आरा में, क्या कीजिएगा? हमारी तो प्राथमिकता खेती है कि खेती को मजबूत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए और खेती को लाभदायी बनाने के लिए, किसानों को की खेती को हम लोग काम करेंगे। नहरों का आधुनिकीकरण हो, कदौन में जलाशय बने और जो ज़िले के उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूप बंद पड़े हैं उनको चालू कराया जाए। जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, उनके लिए माने जो व्यवसाय है वो कहा जाए कि पटरी से उतर गया है। मोदी सरकार ने जो नोटबंदी लागू किया, जो GST लाए ये लोग, या फिर अभी ऑनलाइन व्यापार का जो चलन चला है, इससे माने बाज़ारों में वीरानगी है। अब 40% ऑफलाइन व्यवसाय जो है वो ख़त्म हुआ है। तो व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार एक व्यवसायिक आयोग का गठन करे, हम इसके लिए काम करेंगे। और ज़िले में कृषि आधारित उद्योग धंधे लगे, हम माने इसके लिए प्रयास करेंगे। और जो शहरी गरीब हैं, ग्रामीण गरीब हैं, उनका जीवन गरिमामय हो, सम्मानजनक हो, इसके लिए हम लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर अपना प्रयास जारी रखेंगे। अमित शाह ने आकर आरा में कही थी रैली में कि ये लोग बंदूक गूंजेगी, राइफल गूंजेगी, अब उससे आपको कैसे लगता है? कितना डराएंगे लोगों ने देखा कि कितना हिंसक हैं ये लोग, संघी और भाजपाई लोग, जो माने हिंदू मुसलमान के दंगों में विश्वास रखते हैं, राम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गेरू, इसी की राजनीति करते हैं, जिसका परिणाम उनको पूरे देश में भुगतना पड़ा। ठीक ना, ठीक है ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन पहले की तरह जो उनका 400 पार का नारा था वो तो फेल हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो तोहमत लगाते हैं दूसरों पर, चलनी हंसे सूप पर जिसमें हो 7600 छेद, तो ये तो बात बिल्कुल पच नहीं रही है देश की जनता को। और आने वाले दिनों में और जो है इनको मैंने कड़ा जवाब मिलेगा, मजबूत जवाब मिलेगा। देश के किसान मजदूर उनको जवाब देंगे, जिनके हाथ से इन्होंने खेती छीनने का षड्यंत्र किया, छात्र युवाओं के हाथ से अग्निवीर के जरिए रोजगार छीनने का षड्यंत्र किया, और जिन्होंने देश के संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया, इनको मुकम्मल जवाब न सिर्फ लोकसभा में बल्कि लोकसभा के बाहर भी सड़कों पर यहाँ के करोड़ों छात्र युवा किसान मजदूर देंगे, व्यवसायी देंगे। आप इंतजार कीजिए, मुकम्मल जवाब आप दीजिएगा। एक सवाल है, आखिरी सवाल रहेगा, आरा के लोगों को क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि अब 90 वाला दौर नहीं लौटेगा? नहीं, ये तो गलत बात है। एक दौर था जब लोगों ने जो माने भूमिहीन गरीब किसान थे, जो दलित थे, अति पिछड़ी जातियों के लोग थे, उनकी जो दशा थी वो बहुत ख़राब थी, वो नारकीय जीवन जी रहे थे, और उन्होंने कॉमरेड राम नरेश, राम मास्टर जगदीश, रामेश्वर यादव के नेतृत्व में कहा जाए कि सम्मानजनक जीवन जीने का जो मैंने प्रयास किया, जो आंदोलन किया, मैं समझता हूँ कि उस दौर में वो चीज़ ज़रूरी था, उनकी मुक्ति की लड़ाई, और वो
समझते हैं कि लड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, संविधान का रोल है, उनका रोल है। और मैं समझता हूँ कि चीज़ें पीछे लौट कर नहीं जाती हैं, आपको आसान्वित रहना चाहिए कि भोजपुर जो है नए दौर में प्रवेश कर चुका है। और जो लोग यह भय दिखा करके समझते थे कि हम दिल्ली में रह करके चुनाव जीत जाएंगे, इस भय के नाम पर उनको सभी लोगों ने खारिज किया है। हम समझते हैं कि बीजेपी में जो वोटर नौजवान है, क्या उनको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके लिए महंगाई नहीं है? सबके लिए है। तो ये चीज़ हावी रहा इस बार के चुनाव में, और मैं समझता हूँ कि अब वो पुराना दौर लौट कर नहीं आएगा। सब लोग मिलजुल करके ज़िले को विकास के रास्ते पर, समग्र विकास के रास्ते पर ले जाने का माने हम लोग प्रयास करेंगे। सबको बराबरी का अधिकार होगा, ठीक ना, वोट देने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, रोज़गार का अधिकार, समाज में सिर उठाकर चलने का अधिकार। सब लोग इस सच्चाई को समझने लगे हैं और इसका सम्मान भी कर रहे हैं। इसलिए आप जमा खाता रखिए कि जो लोग ये भय पैदा कर रहे हैं समाज में, वो चीज़ नहीं होने जा रहा है। हम लोग बेहतर ढंग से समग्र विकास करेंगे भोजपुर ज़िले का, सब लोगों को, हर समाज के लोगों को लेकर साथ चलेंगे। अब मैं समझता हूँ कि हर समाज के लोगों ने वोट दिया, और जिन लोगों ने वोट दिया आपके चैनल के माध्यम से, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। ये जीत उनकी है, भोजपुरवासियों ने इस बार एमपी बनाया नहीं, बल्कि भोजपुरवासी खुद एमपी बन गए हैं सुदामा प्रसाद के रूप में। आप माने भरोसा रखिए, हम उनके भरोसे पर बिल्कुल ही खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई हम में कमी होगी, हम तो ये भी बोलते हैं कि आप खुल करके हमसे बोलिए, हम 12 महीना 24 घंटा उपलब्ध हैं, फ़ोन पर उपलब्ध हैं, मिलने के लिए उपलब्ध हैं, और किसी पर आफत विपत आया उसमें हम लोग उपलब्ध हैं उनके आंसू पोंछने के लिए, और उनके हर माने समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी आप सुदामा प्रसाद को सुन रहे थे। इनका साफ साफ कहना है कि आरा में अब चारों तरफ विकास होगा, लोगों को उम्मीद और आशा रखनी चाहिए, आरा अब बहुत बदल चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।